हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेली वेल। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंटल इशूज़ के ऊपर, जो कि चैप्टर नंबर 16 है इकोलॉजी का। हम लोगों ने 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग इस लेक्चर को नहीं देखा है, 3 चैप्टर को का जो लेक्चर वीडियो अपलोड है चैनल पे, अगर उसे आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर उस लेक्चर को देखें, उस वीडियो को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने बहुत सारे एमसीक्यू को कंप्लीट किया है, इकोसिस्टम का, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का, एंड देन डाइवर्सिटी का। इन तीनों चैप्टर का एमसीक्यू जो है वो आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लेक्चर को डाउनलोड करके देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू का प्रैक्टिस करते हैं आपके नीट एग्ज़ाम के लिए। आपके जो नीट एग्ज़ाम 2020 होने वाला है उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आप अच्छा से अच्छा वहाँ पे परफॉर्म कर सकें। और इसके साथ ही हम लोग इकोलॉजी का बहुत जल्द सीरीज़ भी स्टार्ट करें बायोलॉजी के अंदर, जिसमें हम लोग इकोलॉजी का ही नहीं, बायोलॉजी में बहुत सारे जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम से पहले मैं ट्राई करूँगी कि कवर कर दूँ। जो स्टूडेंट्स कुछ नहीं पढ़ाया अभी तक, उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल होगा वो सारा वीडियो। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें और बहुत ज़्यादा एमसीक्यू का प्रैक्टिस करें, और इसके साथ ही रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दें। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है, कुछ भी नया पढ़ना नहीं है इस टाइम, जो भी चीज़ें आपने अच्छे से कंप्लीट करी है बस उसी को आप लोग रिवाइज़ करते रहें अच्छे से, और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू का प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और उसके साथ ही मैं यहाँ पे वही क्वेश्चन को लेती हूँ जो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, चाहे नेट की बात करें, एफएमसी की बात करें, जिपमर की बात करें, या जितने भी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उन सारे का एमसीक्यू यहाँ पे हम लोग लेते हैं प्रीवियस ईयर। तो आपका सारा जो है कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर हो जाने वाला है इस एमसीक्यू के थ्रू, और इसके साथ ही आपको प्रीवियस ईयर्स का पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम आपका न लेते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज इन्वायरमेंटल इशूज चैप्टर नंबर 16 इकोलॉजी का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। एक चीज़ आपको बतानी है, अगर जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है और इसका आंसर आपको पहले खुद करना है, इसके बाद आप वीडियो से इसका आंसर देखेंगे। सबसे पहले अगर आपका क्वेश्चन सही हो रहा है तो आप प्लस 4 का मार्किंग करेंगे, या आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट ही समझ लें कि आप लोगों का मॉक टेस्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग हर रोज़ 30 to 50 प्लस एमसीक्यू, और कभी कभी हम लोगों ने 70 भी करी है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करेंगे चैप्टर के वेटेज के हिसाब से। मतलब जिस एग्ज़ाम में जितना एमसीक्यू ज़्यादा आया हुआ है उस चैप्टर से, उस वेटेज से हम लोग एमसीक्यू का प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को खुद से क्वेश्चन का आंसर करना है, और अगर सही हुआ तो प्लस 4 का मार्किंग, अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपको हर क्वेश्चन पर -1 का मार्किंग करते जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सोल्ड। ठीक है, इसका जो आंसर है पहले आप लोग खुद से करें, फिर मैं बताऊंगी इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका जो आंसर होने वाला है वो है सी, प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर एरोसोल्स। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन जो है वो एरोसोल्स के लिए वैलिड नहीं है स्टेटमेंट। तो ये आपका जो आंसर होने वाला है वो है आपका सी, दे कॉज इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। द हाइएस्ट डीडीटी कंसेंट्रेशन इन एक्वाटिक फूड चैन सेल अकरीन। ठीक है, हाइएस्ट डीडीटी कंसेंट्रेशन इन एक्वाटिक, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होने वाला है वो आप लोग लगा ले सिगल। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ए लेक विच इज़ रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट में रिजल्ट इन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ए लेक विच इज़ रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट में रिजल्ट इन, तो इसका जो आंसर आपका होगा वो है मोर्टेलिटी ऑफ फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD का फुल फॉर्म पहले आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में नॉट बी अ गुड इंडेक्स फॉर पॉल्यूशन फॉर वाटर बॉडीज रिसीविंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री से। ठीक है, 1 सेकेंड, इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये होगा पेट्रोलियम इंडस्ट्री। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर फॉर SO2 पॉल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें से कौन जो है वो मोस्ट सुटेबल है SO2 का पॉल्यूशन का इंडिकेटर, ठीक है, इन्वायरमेंट में, तो इसका जो आंसर आपका है वो ये है, आप लगा सकते हो लाइकेंस। हमने बात भी करी थी कि लाइकेंस वहाँ कभी भी ग्रो नहीं करेगा जहाँ पे आपको पॉल्यूशन मिलेगा, तो लाइकेंस जो है वो गुड, मतलब हमने बात भी करी थी फंजाई वाले में, किंगडम फंजाई के ऊपर जब हमने लेक्चर डाला तो उसमें ब्रीफ से हमने बताया है कि जो लाइकेंस होता है वो कभी भी
पॉल्यूशन वाले एरिया में ग्रो नहीं कर सकता है। जहाँ पे पॉल्यूशन होगा वहाँ लाइकेन कभी भी नहीं होगा। तो ग्लाइकेन जो होता है गुड इंडिकेटर होता है पॉल्यूशन का, ठीक है। तो यहाँ पे किसका आंसर हो जाएगा, बी, लाइकेन। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज, उसे क्या बोलते हैं, क्या क्वेश्चन है? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट, ठीक है, कंसंट्रेशन लेवल जो होता है टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, उसे हम क्या बोलते हैं? उसका जो आंसर है वो ये है आपका, पहले खुद से आप लगाएंगे, इसके बाद इसका आंसर जो आप वीडियो से देखेंगे, इसका जो आंसर होगा वो ये है, बी, बायो मैग्निफिकेशन। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, ठीक है, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ, एसिड रेन किसके इंक्रीज हो जाने से होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ, किस चीज़ का एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से एसिड रेन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो ये है, SO2 एंड NO2, ठीक है, इसका जो एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन वो इंक्रीज होने की वजह से एसिड रेन होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यूट्रिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज लीडिंग टू किलिंग ऑफ फिशेज इन मेनली ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ, ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर है वो ये है, ऑक्सीजन। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कम इन टू फोर्स इन, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट कब आया था, तो इसका आंसर जो है वो है 1981। एक चीज़ और बता दूँ आपको, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, 1986 में आया था। इसके साथ ही वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो है वो 1917 में आया था। ये क्वेश्चन आप लोग क्या करें, अच्छे से नोट डाउन कर ले कॉपी में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में फ्रेम हो जाते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आपका ना छूटे, इस वजह से आप इसे कॉपी में लिख सकते हैं, या अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल बाय, ग्लोबल वार्मिंग इसमें से ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल बाय, किससे हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर है आप लोग पहले खुद से लिखेंगे, इसके बाद यहाँ से देखेंगे, तो इसका जो आपका आंसर होने वाला है वो ये है, ए, ठीक है, रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है, इससे हम ग्लोबल वार्मिंग को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल वॉज इंडोर्स्ड एट, क्योटो प्रोटोकॉल आपको पहले आंसर लगाना है, देन हम इसका आंसर बोलेंगे, तो इसका जो आंसर है वो ये है आपका, ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। CFC आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, सबसे पहले समझ लेते हैं CFC क्या होता है। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इस ओजोन लेयर में जो डिप्लेशन होता है उसके वजह कौन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में है अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ रिड्यूस ओवरऑल ग्रीन गैस एमिशन आर कमिटमेंट ऑफ, ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका होगा वो है ए, क्योटो प्रोटोकॉल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। स्प्रेइंग ऑफ DDT प्रोड्यूसेस पॉल्यूशन अप, अगर आप DDT का स्प्रे करते हैं उसे किस चीज़ का पॉल्यूशन होता है, तो इसका जो आंसर है आपका डी होगा, एयर का भी, वाटर का भी और सोयल, तीनों पॉल्यूशन जो होता है वो DDT के जो स्प्रे करते हैं उससे होता है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 में है आपका DB इज स्टैंडर्ड एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द क्वांटिटिव एक्सप्रेशन ऑफ, किसके लिए यूज किया जाता है, ये तो पार्टिकुलर पॉल्यूटेंट के लिए, ठीक है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसका जो आंसर होगा वो है ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे रिलेटेड है, ग्लोबल वार्मिंग से। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सल्फर डाइऑक्साइड इफेक्ट, सल्फर डाइऑक्साइड जो किस पे अफेक्ट करता है, तो आपको पता होना चाहिए ऑल मेम्ब्रेन सिस्टम, हमारे जितने भी मेम्ब्रेन सिस्टम होते हैं उन सब पे जो है वो जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो इफेक्ट करता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली अ पॉल्यूटेंट, इसमें से कौन जो है वो नॉर्मली पॉल्यूटेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को पहले इसका आंसर करना है, तो सबसे पहले आप लोग खुद इसका आंसर करें, देन हम बताएंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर विथ सीवेज इंडिकेटेड बाई सिस्ट ऑफ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है स्ट्रिया कोलाई, बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट कॉजेज द रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जब सनलाइट का रिएक्शन होता है उसे, जब सनलाइट फ्रॉम सनलाइट कॉजेज द रिएक्शन, तो वो क्या होता है रिएक्शन, तो वो है उसका आंसर जो हो जाएगा वो है ओजोन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। DDT क्या है,
तो इसका जो आंसर होगा वो है नन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, नन डिग्रेडेबल पॉलिटेंट होता है DDT। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। डिकम्पोजिशन ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट अंडर नेचुरल प्रोसीड इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसका जो आंसर होगा वो है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 24, यूट्रिफिकेशन कॉज डिजीज इन यूट्रिफिकेशन की वजह से क्या डिक्रीज होता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। पहले खुद से करें, देन इसके बाद आप आंसर से देखें। तो इसका जो आंसर है आपका वो हो जाएगा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। एस्ट्रिया कोलाई यूज्ड एज एन इंडिकेटर टू डिटरमाइन पॉल्यूशन ऑफ वाटर विथ, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो ये है फीशल मैटर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, यूट्रिफिकेशन इज ऑफन सीन इन, ठीक है, यूट्रिफिकेशन, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा फ्रेश वाटर लेक में जो आपको है वो देखने को मिलता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। फिश डाई इन वाटर पॉल्यूटेड बाई सीवेज ड्यू टू, जो फिश है वो मर जाता है वाटर पॉल्यूटेड की वजह से, तो बाई सीवेज, तो किसके वजह से, तो समझ सकते हो आप यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये है। पहला ऑप्शन है पैथोजन रिडक्शन इन O2 क्लोजिंग गिल्स बाइसलेट्स, इसके बाद आपको आंसर जिसका है फूल स्मेल, तो इसका जो आंसर हो जाएगा रिडक्शन इन O2, ठीक है, O2 के डिक्रीज होने, O2 में रिडक्शन आने से, ठीक है, इसके वजह से क्या होता है फिश डाई इन वाटर पॉल्यूटेड बाय सीवेज ड्यू टू रिडक्शन इन O2। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। फ्लोराइड पॉल्यूशन मेनली अफेक्ट, फ्लोराइड पॉल्यूशन जो होता है मेनली किस पे अफेक्ट करता है, वो इसका आंसर हो जाएगा टीथ पे अफेक्ट करता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर, गैस लीक ड्यूरिंग भोपाल ट्रेजडी वॉज, इसमें से कौन सा गैस जो लीक हुआ था भोपाल ट्रेजडी में, जो भोपाल ट्रेजडी हुआ था तो कौन सा गैस उसमें से लीक किया था, तो इसका जो आंसर है वो है मिथाइल आइसोथायोसाइनाइट, ठीक है, मिथाइल आइसोथायोसाइनाइट। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज एयर पॉल्यूशन, इसमें से कौन सा है जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन नहीं होता है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, ठीक है, ऑटोमोबाइल से भी होता है, थर्मल पावर प्लांट से भी होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी होता है, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से नहीं होता है, डज नॉट कॉज एयर पॉल्यूशन। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। UNEP स्टैंड फॉर, आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है, पहला क्वेश्चन देखकर खुद से आंसर करना है, देन आपको आंसर देखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। UNEP स्टैंड फॉर, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो है डी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। मॉसेस आर इंडिकेटर ऑफ, मॉसेस किसका इंडिकेटर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहले खुद से आप लोग इसका आंसर करेंगे, देन मैं बताऊंगी। मॉसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। फ्लाई इसमें से क्या है आपका आंसर, पहले इंसेक्टिवोरस प्लांट, इसके बाद है न्यू नेम ऑफ ऑर्किड प्लांट्स, देन है लाइट एयर बॉर्न पार्टिकुलर मैटर, इसके बाद है कॉजियल ऑर्गेनिज्म ऑफ वेरियस डिजीजेस, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो ये है लाइट एयरबॉर्न पार्टिकुलेट मैटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ताजमहल इज रिपोर्टेड टू बी अफेक्टेड बाय, किससे अफेक्टेड है ताजमहल, तो आप लोग का आंसर इसका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड से, ठीक है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। सम अफेक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड इट्स ट्रांसमिशन प्रोडक्ट ऑन प्लांट्स इंक्लूड, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है आपका डी, क्लोरोफिल डिस्ट्रक्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। द pH ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन का pH कितना होता है, तो एसिड रेन का जो pH है वो होता है 5.7। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, इसमें से कौन जो है वो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो PAN का फुल फॉर्म होता है, पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट्स। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। फोटोकेमिकल स्मॉग ऑलवेज कॉन्टेंस, फोटोकेमिकल स्मॉग ऑलवेज कॉन्टेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका O3, ठीक है, क्या ऑलवेज कॉन्टेंट करता है, तो O3। द पॉल्यूटेंट रिलीज बाय जेट प्लांट्स आर, तो इसका आंसर हो जाएगा एरोसोल्स। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। द मैक्सिमम एस्ट्रिया कोलाई विल बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मैक्सिमम एस्ट्रिया कोलाई जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा इसमें से, तो आपको पता होना चाहिए इसमें से सीवेज पॉल्यूशन में, ठीक है, मॉलिकुलर, इसमें आप जो एक चैप्टर है उसमें आप पढ़ सकते हो, 12th का चैप्टर है, तो उसमें आप लोग को पता होगा बैक्टीरिया के बारे में है, एस्ट्रिया कोलाई का उसमें डिटेल से बताया हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग बहुत जल्द जो है सीरीज स्टार्ट करें, उसमें हम लोग देखेंगे एस्ट्रिया कोलाई के बारे में डिटेल से। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अब्सेंट इन पॉल्यूटेड वाटर, इसमें से कौन सा जो है वो पॉल्यूटेड वाटर में अब्सेंट होता है। तो आपको पता होना चाहिए लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई, स्टोन फ्लाई का जो लार्वा होता है आपको पॉल्यूटेड वाटर में कभी नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 5 जून को। इसके बाद चलते हैं 43, क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, इन ऑलमोस्ट ऑल इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ द मेजर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स आर, ठीक है, इंडिया में जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मेजर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट इसमें से कौन सा है आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपका जो आंसर है वो आपको ऑप्शन में है, सारे ऑप्शन को अच्छे से देखना है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, देन आपका है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, देन आपका है ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें से क्या आंसर होगा आप लोग पहले सोचिए और आप लोग इसका आंसर करिए। इसके बाद तो इसका जो आंसर होने वाला वो ये है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ, द मैक्सिमम एस्ट्रिया कोलाई विल बी फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वही आंसर है इसका सुवेज पोल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 45, कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पॉल्यूशन, इसमें से कौन जो है वो वाटर पॉल्यूशन का कॉमन इंडिकेटर है। सबसे पहले इसका आंसर आप लोग समझिए, इसके बाद मैं बताऊंगी। कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पॉल्यूशन, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है एस्ट्रिया कोलाई। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ, इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन इज ऑब्जर्व फर्स्ट ऑन, ठीक है, पॉल्यूशन का जो फर्स्ट इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड फर्स्ट ऑन, किस पे फर्स्ट ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो है ग्रीन वेजिटेशन पे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं बीओडी इज अ मेजर ऑफ, इसका जो आंसर है वो ये है एक्सटेंट टू विच वाटर पॉल्यूटेड विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, हीट आइसलैंड आर प्रोड्यूस ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, इसका आंसर होगा एयर पॉल्यूशन। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो होगा CO2 लेयर इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच, तो इसमें से कौन जो है वो गलत है, मिसमैच है, तो ये तीनों सही होगा, ठीक है, न्यूक्लियर पावर, रेडियो एक्टिव वेस्ट, बायोमास बर्निंग रिलीज ऑफ CO2 एंड फॉसिल फ्यूल बर्निंग रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन सोलर एनर्जी यहाँ पे गलत होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो ये है ए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है यहीं तक था, 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन सही भी हुआ होगा, लेकिन अगर सही नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग बहुत जल्द जो है वो सीरीज स्टार्ट करें जिसमें हम लोग फुल NCERT देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहे, समझते रहे, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। इसी तरह से हम बहुत सारे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं आपके नेट एग्ज़ाम से पहले। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू।